मेरे पे मत जाना भाई, पिक्चर के ऊपर जाना, क्योंकि मेरे खुद के प्रेडिक्शन मेरी फिल्मों के ऊपर नहीं चल रहा है। एक्चुअली स्माइल तो देखो भाई, मैं एक बात सच में कहना चाहता हूँ कि हम रेगुलर फिल्में काफी टाइम से बना रहे हैं। सो अमरदीप ने जब ये फिल्म हमारी बनाई तो जेन्युइनली मैं बोल रहा हूँ कि हर वो चीज़ हमें दी कि यार फिल्म अच्छी बननी चाहिए, फिल्म बड़ी लगनी चाहिए, ये करो वो करो, मतलब ऐसा कोई नहीं था। क्योंकि हम सर पंजाबी में एक सेट बजट हमें मिलता है कि यार इसी में ऐसे करो, कई बार लास्ट वाले 5-4 दिन हम ऐसे फिल्म शूट करते हैं कि 18-18 में हिंदी में भी वही सेट बजट। चलो हमें इन्होंने थोड़ी आज़ादी दी, तो हमें लग रहा है कि जो हम कैरी ऑन जट्टा लेके आए थे उससे जो विजुअली हम इस फिल्म को बहुत बड़ा कर सकते। एंड यू नो वी आल्सो टॉक अबाउट मेकिंग इट रीच एवरीबॉडी इन द कंट्री एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वहां पर बहुत बड़ा रोल। आपकी क्या लर्निंग थी कैरी ऑन जट्टा 3 की और क्या आप अप्लाई करने वाले हैं? कैरी ऑन जट्टा 3 वी ऑल नो एक बहुत बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी थी, कि जिसने भी कोई लाइफ में पंजाबी फिल्म देखी है तो कैरी ऑन जट्टा वाज वन ऑफ दोस फिल्म्स। तो इसी स्टेज से हमने कैरी ऑन जट्टा की शुरुआत की थी प्रमोशन की, और आज 110 करोड़ का एक बेंचमार्क हमने सेट किया, जो हमें लगता है कि एक रीजनल इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा बहुत खुशी की बात है। और फाइनली मौजा ही मौजा उसी लीग में एक और फिल्म हम लोग लेके आ रहे हैं, और सेम टीम है, सेम सारी चीज़ें हैं, और ऑफकोर्स सलमान सर साथ हैं, तो डेफिनेटली हमारा टारगेट 200 करोड़ होगा इस बार। तो फिल्म 20th ऑफ अक्टूबर को विक्रम बोल रहे सर तो हमें लगता था कि ये क्या हो गया हमारे लिए। तो लास्ट टाइम भी जब हम स्टेज पे खड़े थे तो इधर से 2-3 लोगों ने पूछा कि आपको लग रहा है 100 करोड़ हो जाएगी, तो हम एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि हाँ बोले या ना बोले, पर टच वुड सब कुछ अच्छा हो गया। तो डेफिनेटली अब सलमान सर बोल रहे हैं तो कुछ बड़ा ही होगा। उन्होंने बोल दिया कि ये नॉर्म है, ये बेसिक है, तो अब वो स्टैंडर्ड सेट हो गया है। मेरे पे मत जाना भाई, पिक्चर के ऊपर जाना, क्योंकि मेरे खुद के प्रेडिक्शंस मेरी फिल्मों के ऊपर नहीं चल रहा है। But we have to agree that you are the poster boy of multi-crore films, and now समय की थोड़ी कमी है, we very quickly have 2 or 3 questions. Can we have questions? And of course, there's someone. Salman, what was your first interaction with Gibby when he approached you, and what you really liked about him that you went out? See, I have seen his work, and I've seen his face. There's niceness written all over his face. That face like this cannot go wrong. Salman, sir. Thank you, sir. His heart reflects on the face, so he's just dear. He's very close. Thank you. When I started my career, with Manji, Harmeet Baji. So they were, पूरा पंजाब यहाँ पर आ गया था, अब पूरा पंजाब वापस चला गया वहाँ पर। So that saab came in here, Manoj ji was here. Yeah. So many actors who came from Punjab and made the Hindi film industry. Like I worked with Viruji, that's Ajay's father, you know, Jay Bhaji, Shyam Kaushal. So all the best of Punjab was working here. So talent was from Punjab when we started off our careers. And now they're there, their kids are working there in Punjab, so obviously they would be doing good work there. एक वक्त था जब यू नो कई अपने यहाँ के हिंदी सिनेमा के जो सुपरस्टार्स राइट फ्रॉम धर्मेंद्र जी, अमिताभ बच्चन, दे ऑल हैव वर्कड इन पंजाबी सिनेमा। डॉन पेपर वाज अ बिग स्टार आउट देयर, दे मेड हिंदी सिनेमा। या तो सर, अब विद पंजाबी सिनेमा डूइंग सो बिग, कैन वी एक्सपेक्ट यू टू बी पार्ट ऑफ सम बिग फिल्म सर? 1000% Marathi, everything that has to be, you know, a global. Gippy Bhaji, आपसे सवाल है कि you know किस तरह से ये पूरा माहौल जो बना आप तीनों का, then you guys started off with the project, ये किस तरह से कहानी कुछ होगी इसकी, इसके बारे में कुछ जानना चाहिए? Sir, इसकी कहानी कैसे शुरुआत हुई, you know, while being a part of the project and working together? Actually, ये ना क्योंकि आप लोगों ने बहुत सी फिल्में देखी होगी जिनमें ऐसी दिखाई गए हैं कि डेफ ब्लाइंड म्यूट, सो इनकी बहुत सी फिल्में आई हैं। सो ये एक मुझे बहुत यूनिक लग रहा था कि तीन भाई हैं जिनमें प्रॉब्लम है एक छोटी सी, तो मैं स्टोरी को बनाना चाहता था। तो मैंने समीम जी को बोला कि भाजी इस पे काम करते हैं, कि उनकी एक बहन है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं कि कई लोगों को लगता है कि ये जीन्स आगे ट्रैवल करेंगे,
सो वो इस चीज़ की प्रॉब्लम की वजह से ये चीज़ें नहीं करते। हमने इसको ह्यूमर में दिखाया है, बट इसमें ये एक बहुत ही, जैसे मैंने बोला कि अपनी बहन के लिए हम अगर दो चार झूठ बोले भी तो क्या बड़ी बात है। सो वो अपनी बहन के लिए करना चाहते हैं, आगे जाके क्या होती हैं चीज़ें। सो मुझे सब्जेक्ट बहुत टच कर रहा था ये। और जेन्युइनली बताएं तो बीनू जी ने पहले एक फिल्म में ब्लाइंड प्ले किया था, तो मुझे वो इतना अच्छा लगता था कि जो इन्होंने किया था, तो मैं इनको बोलता था कि बीनू जी एक फिल्म और करेंगे। सो फाइनली ये फिल्म आ गई मौजे मौजा। और मुझे जेन्युइनली ऐसे लगता है कि जो कॉमेडी पसंद करते हैं, इसमें इतनी अच्छी और एक फ्रेश ह्यूमर हमने निकाला है। सो मेरा बेस्ट है मुझे लगता है आज तक का। सो होप सो कि आप सबको भी वैसे ही लगेगी।